वेलकम माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बताऊंगा। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है डेट इज़ इम्पोर्टेंट बैरियर, एंड इसमें आपको ये पता लगेगा कि ब्लड में ब्लड की सप्लाई जो ब्रेन में होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, क्योंकि ब्रेन आपको पता है काफ़ी क्रूशल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इसमें जो ब्लड की सप्लाई है डेट शुड बी वेरी क्रूशली कंट्रोल्ड। सो कैपलरी जो मेन होते हैं वो माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करवाते हैं। तो जर्नल अगर जहाँ देखो डाइग्राम में दिखाया आपको फेनिस्ट्रेशन यानी पोर होते हैं कैपलरी के, ये जर्नल कैपलरी है। बट अगर हम ब्रेन में देखें या सी एन एस में देखें तो आपको कैपलरी के अराउंड अदर पैकेजिंग सेल मिलते हैं जैसे एस्ट्रोसाइट्स वगैरह, और इसके अराउंड टाइट जंक्शन होते हैं। मीनिंग कहने का इसमें मटेरियल कोई भी ट्रांसलोकेट होता है वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में होते हैं। सो यहाँ जो वेसल्स का ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ब्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाए, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, और एज के साथ ये बैरियर कम होना शुरू हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन के बीच जो आता है, और एस्ट्रोसाइट टाइट जंक्शन है, और ऐसे यहाँ रेगुलेशन हो रही है ब्लड की। तो ये ब्लड एंड ब्रेन, ब्लड एंड ब्रेन के चैनल जो हैं स्मॉल आयन एंड वाटर ईजिली जाता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथेनॉल, निकोटीन, कैफीन ईजिली जाते हैं। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो इसमें होता है डेट इज़ ग्लूकोज, मोनोकार्बोक्सिलेट, क्रेटिनिन, लार्ज न्यूट्रल माइनो एसिड्स एंड अदर। रिसेप्टर मेडिएटर रिसेप्टर के थ्रू जो होता है इंसुलिन, ट्रांसफेरिन, लेप्टिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। एडसॉर्प्शन मेडिएटर ट्रांसहेटोसाइसिस, हिस्टोन एंड एल्बुमिन अदर आप यहाँ देख सकते हो। तो ये मटेरियल जो है इस वे में ब्रेन में जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आर्किटेक्ट है ब्रेन का, टाइट जंक्शन कैसे बने एक न्यूरॉन के दूसरे के साथ, गैप जंक्शन भी है, एडहेरेंट एडहेसिव प्रोटीन्स होते हैं कैम वगैरह प्रोटीन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल जैम, ए बी सी जी, क्लोडीन, प्राइमरी सेलिंग कॉम्पोनेंट टी जी एस, ये आपको भी बताए गए हैं। तो ये काफ़ी इसका आर्किटेक्ट काफ़ी कम्प्लेक्स है और रेगुलेट करता है कम्प्लेक्स वे में। यहाँ आप देख सकते हो ब्लड ब्रेन बैरियर कैपलरी है या साथ में न्यूरॉन्स हैं, एस डी एल कैसे ट्रांसपोर्टर है, सी एस एफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन जो है, पेरिकाइमल स्पेस है, एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरॉन कैसे इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मॉडल फॉर प्रपोज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द बीबी, पैरासेलुलर एक्यूस पाथवे, ट्रांसपोर्ट लिपो प्रोटीन पाथवे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिसेप्टर मीडिएट एंड एडसॉर्प्शन ट्रांसहेटोसाइसिस, ये सारे मैकेनिज्म ब्लड में होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लड ब्रेन जो बैरियर है काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी एक रेगुलेटेड फिनोमिना बन जाता है। डिसफंक्शन आ जाती है कई बार, तो प्रॉपर फंक्शनिंग इसमें ना हो तो क्रॉनिकल इवेंट्स आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे जैसे अल्जाइमर डिजीज, सीवियर कंडीशन आ जाती है, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ बीबीबी इज अपेरेंट थ्रू द डिजीज़, और बैरियर डिसफंक्शन गोज हैंड इन हैंड एंड प्रोफंड इंफ्लामेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल, देयर बाय प्रमोटिंग द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स। तो इसमें जो फ्लो है वो रेगुलेट नहीं होता। ए एल एस, एपिलिप्सी एंड वास्कुलर डिसमेंटिया, तो डिसफंक्शन यहाँ आ जाती है। पेशेंट ड्राइव्ड टिश्यू एंड एनिमल मॉडल में देखा गया, तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी भयानक बीमारियाँ बन जाती हैं, लैकोपिनोसाइटोसिस एंड बल्क फ्लो, सिंपल डिफ्यूज़न, सी एम टी, ये सारे इसके मैकेनिज्म हैं। बैरियर जब ब्रेक डाउन हो जाता है डिसरेगुलेटेड तो ऐसे इसका फ्लो अनकंट्रोल हो जाता है।
थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगी। माइक्रोबायोम एंड ब्रेन, इसको कंट्रोल करके रखता है ब्रेन का और बॉडी का, जैसे गट का फ्लो है ब्रेन में जो फ्लो है इसको कंट्रोल करता है। जीन एंड प्रोटीन की रेगुलेशन होती है। इफेक्ट ऑफ TS एक्सपोजर, निकोटीन एंड अगर यहाँ देखें फंक्शन, TS एक्सपोजर एंड निकोटीन BB में देखें तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाती है, इन्फ्लामेटरी पाथवे, TS डिराइव्ड निकोटीन रेडिकल एंड यूज एंडोथेलियल डिसफंक्शन। नॉर्मल एंड इंजरी, नॉर्मल में ऐसे आएगा इंजरी में ब्लड में और ब्रेन में प्रोटीन का इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। ब्रेन एंडोथेलियल सेल एंड ब्लड, इस वे में यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है टाइट जंक्शन। ग्लूटामेट एंड यूज ब्लड ब्रेन बैरियर परमेबिलिटी थ्रू एक्टिवेशन ऑफ N-methyl-D एस्पार्टेट रिसेप्टर, तो ग्लूटामेन इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करता है। ट्यूमर आ जाता है इसके साथ, कहाँ कहाँ होता है यहाँ आप देख सकते हो। करेक्टराइजेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इन पेडियाट्रिक बच्चों में। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर एंड देयर डिसफंक्शन एंड अबनॉर्मेलिटीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा और कोई भी ये सीख सकता है। थैंक यू वेरी मच।